Hi, dear Sun. I hope you all are good. Today we are going to discuss about phylum Platyhelminths, जिनको हम commonly flatworms कहते हैं. इनमें के मेंबर जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग मेंबर हैं. आपने लिवर फ्लूक, प्लेनेरिया, टेपवर्म इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो एकेडमिक में और अगर आप घर में कोई एनिमल है तो उसके हवाले से जो है उनका नाम बार बार आपने सुना होगा. तो ये क्योंकि पैरासाइटिक फाइलम मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द पैरासाइट्स, तो इनकी इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कि एक तो आपको एकेडमिकली आपको आना चाहिए, वैसे इनके जो है ना ब्लड फ्लूक्स होते हैं, इंटेस्टाइन फ्लूक्स होते हैं, इस तरीके से लिवर फ्लूक है, ये हमारे हार्ट डिजीज काज करते हैं. जैसे चाइनीज लिवर फ्लूक है वो ह्यूमन में डिजीज काज करता है. तो इनको जानना जनरल इंटरेस्ट के लिए और एकेडमिकली बहुत ज़्यादा अहम है. तो ये आउटलाइन है, हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक फाइलम के डिस्कस करेंगे और उनके जो बेसिक एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी है और ये अपने आफाल जिंदगी के आफाल कैसे कैरी ऑन करते हैं और देन जो है ना उनकी क्लासेस की जो है ना डिस्क्रिप्शन वन बाय वन टर्बिलेरिया से लेकर सिस्टोडी तक जो है ना हम डिस्कस करेंगे. तो यू विल एंजॉय दिस एक्सपीरियंस. फाइलम प्लेटीहेलमिंथ्स, यहाँ प्लेटी मीन्स फ्लैट और फ्लैट का सिंपल कॉन्सेप्ट जो बार बार मैं बच्चों को समझाता हूँ कि देर इज नो डिफ्रेंसिएशन बिटवीन द वेंट्रल इन डार्सल रीजन. कि जिस स्ट्रक्चर वेंट्रल और डार्सल रीजन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो वो शक्ल जो होती है वो स्ट्रक्चर फ्लैट होती है. जैसे आपकी प्लेट होती है, लोअर और अपर सरफेस एक जो जैसे हेलमिंथ्स का मतलब क्या है, वर्म्स. दैट्स व्हाई वी टर्म दैट्स फ्लैट वर्म्स. सो प्लेटीहेलमिंथ्स कॉमनली कॉल्ड फ्लैट वर्म. और दुनिया में 34,000 स्पेशीज जो है ना इनकी डिस्क्राइब या आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं. इनकी बॉडी साइज जो है ना माइक्रोस्कोपिक भी है, लेस देन 1 मिलीमीटर टू लेस देन 25 मीटर. 25 मीटर जो है ना टीना राइनकस सेजिनेटस, ये जो आप बड़ा देख सकते हैं ये जो है ना, तो ये 25 मीटर तक लंबा भी हो सकता है और ये माइक्रोस्कोपिक भी है. मोर ओवर दे आर ट्रिप्लोब्लास्ट. प्रियस जो हमने फाइलम डिस्कस के नीडेरियन, दैट वाज द डिप्लोब्लास्ट. ये ट्रिप्लोब्लास्ट के इसमें मीजोडर्मल ड्राइव टिश्यू पाया जाता है या वो लूज टिश्यू होता है. मीन्स मीजोडर्म में एक टिश्यू पाया जाता है, उस टिश्यू को हम क्या करें, पैरेन्काइमा. के पैरेन्काइमा फाउंड इन द मेसोडर्म. मोर ओवर पैरेन्काइमा का जो मेन फंक्शन है वो एक तो इट प्रोवाइड स्केलेटल सपोर्ट, न्यूट्रिएंट स्टोरेज, मोटिलिटी या लोकोमोशन, रिजर्वर ऑफ द रीजनरेटिव सेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल इंटरेक्शन विद अदर टिश्यू. ये मुख्तलिफ जो है ना फंक्शन है, लेकिन बेसिक जो मेन पैरेन्काइमा का फंक्शन है वो न्यूट्रिएंट स्टोरेज, स्केलेटल सपोर्ट एंड मोटिलिटी. तो मींस दीज प्लेटीहेलमिंथ्स आर कंपोज्ड ऑफ द 3 जर्मिनल लेयर या एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म. मेसोडर्म से ये पैरेन्काइमा प्रोड्यूस होती है. Moreover, platyhelminths have organ system level of organization. Previously, phylum Cnidaria हमने डिस्कस किया है. अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो काइंडली लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसको आप पढ़ सकते हैं, वहाँ आप वहाँ जा सकते हैं. तो वहाँ हमने कहा कि दे आर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो प्लेटीहेलमिंथ्स में ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इनको
Phylum Platyhelminths is divided into four classes. One is Turbellaria, और Turbellarians जो है free living flatworms हैं. Second Monogyna, third Trematoda, fourth Cystoidae, और ये parasitic species है. यहाँ जो Turbellaria है, this one, इनके बारे में कहा जाता है ये paraphyletic group है. Paraphyletic group means those group which we don't have sufficient knowledge about their ancestry. के अगर ये monophyletic भी नहीं है, polyphyletic भी नहीं है, तो इनके बारे में हमें sufficient information नहीं है, तो we term that's a paraphyletic group. Let's discuss the general feature of the phylum Platyhelminths. It's a normal procedure. के पहले इंट्रोडक्शन फाइलम के पहला इंट्रोडक्शन हम करते हैं. इंट्रोडक्शन के बाद फौरन जो इनका बेसिक वो खसूसियात जिसकी वजह से उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है उनको हम डिस्कस करते हैं. तो यहाँ उनकी सेवन खसूसियात या सेवन करेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करें. एक हमने वैसे ही डिस्कस किया कि दे आर डार्सो वेंट्रली फ्लैटिन ट्रिप्लोब्लास्ट हैविंग थ्री एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर्स ectoderm, endoderm, mesoderm, and they don't have the coelom cavity. That's why they are a coelomate. और इनकी shape जो है ना, overall structure जो है ना, they are bilateral symmetrical. Second खुशियात के most of the member of the phylum Platyhelminths are unsegmented. लेकिन एक class Cystoidea जिसमें जो segmented है उसमें स्ट्रोबाइला मौजूद है, उसमें सेगमेंट मौजूद है. थर्ड खुशियत यह है कि दे हैव द इनकम्प्लीट गट. के कुछ मेम्ब्रान में या कुछ एनिमल जो इस फाइलम से ताल्लुक करते हैं दे हैव इनकम्प्लीट गट, बट जैसे क्लास सिस्टोइडी है उसमें गट नहीं होते, इट्स विदाउट गट. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक is that के somewhat cephalized, के यहाँ आसा आसा cephalization का concept develop हो रहा है, क्योंकि अक्सर bilateral symmetrical में cephalization means head region में sensory organ मौजूद हो, जैसे हमारे यहाँ head region में eyes, nose, ears, brain, ये सारे sensory organ पाए जाते हैं ना, तो इस process को हम cephalization, तो इनमें इनकी cephalization की शुरुआत हो रही है कि उनमें दे पजेस द एंटीरियर सेरिब्रल गैंग्लियन एंड यूली लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड. ये गैंग्लियन जो है ना उनके हेड रीजन में, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना इनमें डेवलप हो रहा है. फिफ्थ कैरेक्टर्स दे हैव द प्रोटोनेफ्रिडिया फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. इनकी ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना वो एक्सक्रिएट जो होती है प्रोटोनेफ्रिडाइट्स, ये समझ लें इट्स अ पिग्मी किडनी, और ये छोटी सी ये किडनी जैसी स्ट्रक्चर है. ज्यादातर ये मोनोशस होते हैं. मोनोशस मींस हैविंग बोथ सेक्सेस इन सिंगल बॉडी, मेल और फीमेल ऑर्गन सिंगल बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनमें कॉम्प्लेक्स होता है. नर्व सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ एंटीरियर गैंग्लियन. किसमें मौजूद एक पेयर होता है, दो एंटीरियर गैंग्लियन और लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड कनेक्टेड बाय द ट्रांसवर्स नर्व्स एंड लोकेटेड इन मेसेनकाइम. मींस तीन चीजें हो गई नर्व सिस्टम में, गैंग्लियन, लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड एंड ट्रांसवर्स नर्व्स, ये तीनों मिलकर इनका नर्व सिस्टम बनाते हैं. Let's discuss the classification of the phylum Platyhelminths. As we already discussed, that Platyhelminths are flatworms, bilateral symmetrical and a coelomate, 34,000 species hain. Aur inko divide kiya gaya hai four classes, class Turbellaria, क्लास मोनोजिना, क्लास ट्रेमेटोडा, क्लास सिस्टोइडा.
टर्बिल एरिया में जो एग्जांपल है कन्वोल्यूटा, नोटोप्लाना, डगेसिया जिसे हम प्लेन एरिया कहते हैं, तो इसमें सिर्फ 3,000 स्पेशीज पाई जाती हैं। मोनोजेना में डिसोकोटाइल और पॉलीस्टीमा इसमें भी 1,100 स्पेशीज पाए जाते हैं। और मोनोजीना में जो फ्लूक होते हैं वो ज्यादातर एक्टोपेरासाइट होते हैं वर्टिब्रेट के ऊपर और अपनी लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट में कंप्लीट करते हैं। ट्रिमिटोड्स सारे जो है ना पैरासाइट्स है और दुनिया में 10,000 से ज्यादा स्पेशीज जो है ना इनकी डिस्क्राइब हो चुकी हैं। इन ट्रिमिटोड्स को दो सब क्लास में डिवाइड किया है, वन इज नोन एज एस्पिडोगैस्ट्री, सेकंड इज नोन सब क्लास डायजिनी। एस्पिडोगैस्ट्री ये भी एंडोपैरासाइट्स होते हैं लेकिन मोलस्कस में, और जो है ना इनके मेंबर एस्पिडोगैस्टर, कोटाइल लेपस और मल्टीकोटाइल, और दुनिया में 32 स्पेशीज इस सब क्लास में पाई जाती हैं। जबकि सब क्लास डायजीना जो है सारे वर्टिब्रेट के एंडोपैरासाइट्स होते हैं। दुनिया में 1350 स्पेशीज जो है ना उनकी डिस्क्राइब हो चुकी हैं। और जो है ना इनमें शिस्टोसोम्स, फेशुला, क्लोनार्कस ये जेनरा पाए जाते हैं जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। फोर्थ क्लास सिस्टोइडे, ये सेगमेंटेड क्लास है, इनको दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है, वन इज नोन एज सिस्टोडेरिया एंड सेकंड सब क्लास इज नोन एज यूसिस्टोडा। ये इन दोनों सब क्लास में ये फर्क है कि पहले जो सिस्टोडेरिया इनकी बॉडी जो है ना प्रोग्लॉटिड्स में डिवाइडेड नहीं है और अक्सर ये क्रस्टेशंस के लार्वा में पाए जाते हैं और एडल्ट फिश में पाए जाते हैं। इनका एग्जांपल एम्फिलीना, गायरोकोटाइल, और दुनिया में सिर्फ 15 स्पेशीज इनकी डिस्क्राइब हो चुकी हैं। जैसे सब क्लास यूसिस्टोडा है उसको हम ट्रू टेप वर्म कहते हैं कि बॉडी जिसको स्ट्रोबाइला में डिवाइडेड है या सेगमेंट में डिवाइड है, तो बॉडी को स्कोलेक्स, नेक, स्ट्रोबाइला में डिवाइड किया गया है। स्ट्रोबाइला मींस सेगमेंट और प्रोग्लोटिड्स में डिवाइड होते हैं। इसमें जो मेन एग्जांपल है प्रोटियोसेफेलस, टीनिया इकाइनोकोकस, टीनिया रैनकस, डाइफिलोबोथेरम, और 1,000 से ज्यादा स्पेशीज जो है इनकी डिस्क्राइब हुई है। तो ये इट वाज द ब्रीफ क्लासिफिकेशन। तो इस स्लाइड में आपने प्लेटिहेलमिंथ्स के क्लासेस और उनकी सब क्लासेस और एग्जांपल और नंबर ऑफ स्पेशीज के बारे में आपको जानकारी दी गई। नाउ लेट्स डिस्कस द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच क्लास। तो इस स्लाइड में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया, सो मेंबर ऑफ दिस क्लास को हम टर्बिलेरिया क्यों करते हैं? टर्बिलेरिया मींस कमोशन और हैपनिंग, के दे क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ टर्बुलेंस इन द वाटर, और उस कमोशन की वजह से, उस हैपनिंग की वजह से इनका नाम जो है ना टर्बिलेरिया रखा है। लेकिन ये ज्यादातर फ्री लिविंग है, इसमें कोई पैरासाइट नहीं है। ये समंदर में या जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट उसके बॉटम में रहते हैं। दे लिव इन द, दे आर बॉटम डेवलर्स इन फ्रेश वाटर एंड मैरीन एनवायरनमेंट, और वहां जो है ना स्टोन, सैंड या वेजिटेशन के ऊपर क्रॉल करते हैं। तो ये उनकी मेन लोकेशन है। आप इन जानवरों को सब जगह पर ना देखें, जो पर्टिकुलर उनका हैबिटेट होता है वहां उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो तब जो है ना इनको आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जैसे मैंने कहा कि इनको टर्बुलेंस क्यों करते हैं, बिकॉज दे क्रिएट टर्बुलेंस, बीटिंग सिलिया क्रिएट वाटर मूवमेंट, दैट्स वाई। और इनकी दुनिया में कितनी स्पेशीज हैं? 3,000 स्पेशीज हैं।
ये मेंबर आप दे सकते हैं कन्वोल्यूलेटा, माइक्रोस्टोमियम, डेलिलेला, स्प्लेनेरिया, पालीसीलस। ये इस तरीके से ये मुख्तलिफ जो है ना इस टर्बुलेंट, क्योंकि ये पहले आर्डर था, अभी भी इसमें कुछ आर्डर हैं, तो ये मेंबर्स हैं क्लास टर्बुलेंट के। नाउ ये फ्री लिविंग हैं, लेकिन प्रीडेटर्स हैं, शिकारी हैं, दे कैप्चर द प्रे, और दूसरी इनकी फीडिंग हैबिट स्कैवेंजर हैं, डेड मटेरियल को खाते हैं। कुछ जो है ना, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि दीज टर्बुलेरा लिव इन मैरीन एंड फ्रेश वाटर, उनके बॉटम में रहते हैं, लेकिन कुछ टर्बुलेरा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जहाँ ह्यूमन ट्रॉपिकल कंडीशन, जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन होते हैं ना अर्थ के, वहां जहाँ ह्यूमन कंडीशन होती है टेरेस्ट्रियल में, वहां ये पाए जाते हैं। इनकी जो है ना साइज जो है ना मोस्टली दे आर लेस देन वन, और जो ट्रॉपिकल रीजन में है या टेरेस्ट्रियल है, उनकी 60 सेंटीमीटर तक लेंथ में हो सकती है। कलर इनका कैसे होता है, द मोस्टली इन शेड्स ऑफ ब्लैक, ब्राउन एंड ग्रे, और कुछ में जो है ना ब्राइटली कलर्ड पैटर्न पाए जाते हैं। जैसे हमने नीडियरन में पढ़ा था कि वहां एक्टोडर्म से एपिडर्मिस पैदा हो रहे हैं, और उस एपिडर्मिस का डायरेक्ट ताल्लुक जो है ना एनवायरनमेंट से है, तो यहाँ जो है ना प्लेटीहेल्मिस में भी ऐसा ही है कि यहाँ जो है ना डायरेक्ट एनवायरनमेंट का ताल्लुक एक्टोडर्म से क्या प्रोड्यूस हो रही है, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस में एपिडर्मल सेल पाए जाते हैं, दीज आर सिलिएटेड, और कुछ में माइक्रोविला पाई जाती है, और इसके अलावा उनमें अ बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेपरेट एपिडर्मिस फ्रॉम द मेसोडर्मल डाइव टिश्यू, क्योंकि प्लेटीहेल्मिस ट्रिप्लोब्लास्ट है, और नीडेरियंस जो है ना डिप्लोब्लास्ट है, तो वहां डिप्लोब्लास्ट में बेस मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ जो है एपिडर्मिस और मेसोडर्म को जो सेपरेट कर रही है उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, उस टिश्यू को कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। सो आउटर लेयर ऑफ सर्कुलर मसल एंड इनर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बीनीथ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद बेस मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो है ना मसल्स हैं, वन इज नोन एज, आप इस तस्वीर में दे सकते हैं सर्कुलर मसल, ये आउटर है, और इनर साइड में क्या है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, क्या है ये, दिस इज द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये दिस आर व्हाट वी से दिस वन इज नोन एज ए सर्कुलर मसल्स, और ये जो है ना दीज मसल्स आर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, अदर मसल्स आर लोकेटेड डार्सोवेंट्रली, दूसरी मसल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल मसल एंड गैस्ट्रो आर लूजली ऑर्गेनाइज्ड पैरेन्काइमा सेल्स, के गैस्ट्रोडर्म और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच में यहां आप देख सकते हैं देयर आर पैरेन्काइमा मसल या पैरेन्काइमा सेल पाए जाते हैं। सो इनर मोस्ट टिश्यू लेयर इज एंडोडर्मली ड्राइव्ड कॉल्ड गैस्ट्रोडर्म, और ये गैस्ट्रोडर्म ये सिंगल लेयर ऑफ सेल पे कंप्राइज होती है, और उसमें डाइजेस्टिव कैविटी डेवलप होती है। गैस्ट्रोडर्म सीक्रेट्स एंजाइम दैट एड इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, के गैस्ट्रो
डाइजेस्टिव कैविटी में एंजाइम पाए जाते हैं या गैस्ट्रो ड्रम में एंजाइम पाए जाते हैं, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। जो वेंट्रल सरफेस है वहां ऑफ बॉडी वॉल, वहां सेवरल ग्लैंडुलर सेल पाए जाते हैं एपिडर्मिस में। उनमें एक ग्लैंडुलर सेल होता है, उसको हम राप्टाइड्स कहते हैं। वन इज नोन एज ए राप्टाइड्स, सेकेंड एडहेसिव ग्लैंड, थर्ड रिलीजर ग्लैंड, ये वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं। राप्टाइड जो है ना रॉड लाइक सेल होते हैं, सोयल होते हैं, और ये प्रोटेक्टिव म्यूकस शीथ बनाते हैं बॉडी के अराउंड में। जब भी कोई प्रीडेशन शिकार कोई शिकार कर रहा है इसके, या ड्राइनेस का डेसिकेशन के शिकार हो रहे हैं ये खुद, प्रीडेशन और डेसिकेशन से इनको बचाना है कि रैप्टाइड ग्लैंड्स या रैप्टाइड सेल्स सीक्रेट प्रोटेक्टिव म्यूकस फ्रॉम द प्रीडेशन एंड डेसिकेशन। प्रीडेशन मीन्स शिकार होना, डेसिकेशन मीन्स खुश्क होना। दूसरी जो सेल है एडहेसिव ग्लैंड, दे आर ओपन टू द एपिथेलियल सरफेस और दे प्रोड्यूस केमिकल, और ये केमिकल जो है टर्बेलिया को किसी सब्सट्रेट के साथ चिपके रहना या अटैच होने में हेल्प करते हैं। तो मेन एडहेसिव का काम ये है कि इस टर्बेलियन को सब्सट्रेट या किसी बॉडी या किसी सरफेस के साथ जो है अटैच होने में हेल्प करते हैं। थर्ड इज द रिलीजर ग्लैंड, ये सीक्रेट केमिकल करते हैं, और जैसे एडहेसिव ग्लैंड ने अटैचमेंट का काम किया तो इसको इस अटैच को डिसॉल्व करने के डिटैचमेंट का काम करते हैं। तो किसी सब्सट्रेट के साथ चिपकेगा तो एडहेसिव ग्लैंड के थ्रू चिपकेगा, वहां से जान छुड़ाएगा रिलीजर ग्लैंड के थ्रू जान छुड़ाएगा। ये तीन एग्जाम के ग्लैंड्स इनमें पाए जाते हैं। लेट्स डिस्कस द लोकोमोशन इन द प्लेन एरिया और लोकोमोशन इन द टर्बिल एरिया। टर्बिल एरिया जैसे हमने कहा कि दे आर अर्लीस्ट बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल, और बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल जो है ना उनका वो एक्टिव एनिमल होते हैं। जैसे रेडियल होते हैं ना, वो फिक्स्ड सीसाइल होते हैं, ये एक्टिव होते हैं। एक्टिव मीन्स दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फूड फॉर सर्च शेल्टर या सर्टेन अदर पर्पस। तो यही मेन जो डिफरेंस है बायलेटरल सिमेट्रिकल में और रेडियल में। रेडियल इज फिक्स्ड सिसाइल पैसिव लाइफस्टाइल, और बायलेटरल जो है ना एक्टिव लाइफस्टाइल। और हमने ये भी पढ़ा कि टर्बिल एरिया आर बॉटम डवेलर, तो ये बॉटम में रहते हैं तो सबस्ट्रेट के ऊपर सरफेस के ऊपर जो है ग्लाइड करते हैं, मूव करते हैं, और उस ग्लाइडिंग के लिए दे यूज बोथ सिलिया एंड मस्कुलर एंड्यूलेशन। एंड्यूलेशन मीन्स मसल्स की मदद से बॉडी थोड़ी सी शॉर्ट होती है, फिर लेंथन होती है। शॉर्ट और लेंथन होने से वो आस्ता आस्ता मूव करते हैं। तो ये जो है ना इनका जो है ना मूवमेंट का तरीके का ग्लाइड करते हैं और एंड्यूलेशन मूवमेंट कहते हैं। एपिथेलियम के नीचे जो है ना मसल सेल पाए जाते हैं, और हमने प्रीवियस स्लाइड में कहा कि हेयर दो इस एग्जाम के मसल्स होते हैं, मसल सेल, एक सर्कुलर दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल। आउटर जो होती है वो सर्कुलर, इनर जो है ना वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है। तो ये मसल्स जो है ना उनको वर्टिकली या ओब्लिकली ऑब्लिकली ट्विस्टिंग मूवमेंट में या एजाइल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नाउ डार्सो वेंट्रल मसल्स आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द फ्लैटनेस ऑफ द फ्लैट वर्म। मूवमेंट के लोकोमोशन के लिए कौन सी मसल्स दरकार थी? सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल। लेकिन क्योंकि ये फ्लैट वर्म है, इनकी फ्लैटनेस बॉडी में होती है, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डार्सो वेंट्रल मसल्स। और दिस फ्लैटन शेप प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन। अगर वो बॉडी सिक्यूज हो जाती, शॉर्ट हो जाती, तो उनमें रेस्पायरेशन, गैसेस एक्सचेंज, मेटाबॉलिक एक्सचेंज ये मुमकिन नहीं है। तो डिफ्यूजन होने के लिए लार्ज सरफेस एरिया लाजमन है,
फ्लैट सरफेस होना लास्ट, मैंने तो ये मसल्स जो है ना उनको फ्लैट सरफेस में, फ्लैटनेस में जो है ना उनको कायम रखने में हेल्प करते हैं। एज द मूव द टर्बुला ले डाउन ए शीट ऑफ म्यूकस दैट हेल्प इन एडहेशन, हेल्प देम सिलिया गेन सम फ्रैक्शन। तो किसी से चिपक करने के लिए उनको जो है ना एक म्यूकस शीट होती है, जो हमने कहा रैप्टाइड ग्लैंड्स जो है ना वो सीक्रेट करते हैं। डेंसली सिलेटेड वेंट्रल सिलिया फ्लैटन द बॉडी ऑफ टर्बुलेरिया, इनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ द लोकोमोशन। के जो वेंट्रल सरफेस के ऊपर जो डेंसली सिलिया होते हैं वो भी जो है ना लोकोमोशन में उनकी इफेक्टिवनेस या उनकी परफॉर्मेंस में हेल्प करते हैं। तो इनमें दो इकसाम की जो दो मैकेनिज्म होते हैं मूवमेंट के या लोकोमोशन के, एक मूवमेंट हो गया, एक हो गई ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग जो होती है वो मस्कुलर भी होती है, सिलरी भी होती है। कि ग्लाइड जो है ना सिलिया की हेल्प के थ्रू भी होते हैं और मसल्स के थ्रू भी होती है। सेकंड क्या है, रैपिड मूवमेंट। रैपिड का मकसद वो आसानी से जो है ना बॉडी को बैकवर्ड और फॉरवर्ड प्रोपेल करता है। मीन बॉडी अगर आगे या पीछे प्रोपेल हो रही है तो वो उसकी वजह से रैपिड मूवमेंट होती है। तो ये सारी मसल्स का काम है। तो ये मूवमेंट जो है इनमें दो ये मैकेनिज्म आ गए, ग्लाइडिंग के लिए और रैपिड मूवमेंट के लिए। लेट्स डिस्कस द डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन इन टर्बुलेरिया। इस सारी तस्वीरों में आप देख लें, ये तस्वीरें जो है ना, लुक एट दिस वन, ये स्ट्रक्चर, इनमें ये स्ट्रक्चर सेम देखें, फर्क है। इसमें ये ब्रांच्ड है, दिस वन इज अ ब्रांच्ड, दिस इज मोर हाईली ब्रांच्ड। ये सारे जो है ना इनकी डाइजेस्टिव कैविटी या डाइजेस्टिव ट्रैक है। सब में टर्बुलेरियन में डाइजेस्टिव ट्रैक ऐसा नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें आपने देखा द सिंपल फेरेंक्स और स्टेट, ये फेरेंक्स और स्टेट गट है, डाइजेस्टिव कैविटी है। डीप में देखा फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद समहाउ ये लोब स्ट्रक्चर आपने देखी, ये डाइजेस्टिव कैविटी लोब आपने देखी। सी में, सी जो आप यहाँ ट्राइक्लेडिडा आप देख रहे हैं, इसमें डाइजेस्टिव जो कैविटी है वो ब्रांच्ड है। और पॉलीक्लेडिडा में ये डाइजेस्टिव कैविटी जो है ना हाईली या एक्सटेंसली ब्रांच्ड है। ये फर्क है सारे टर्बुलेरियन में डाइजेस्टिव कैविटी का फर्क है। सो डाइजेस्ट, नाउ लेट्स डिस्कस द टेक्स्ट which is appeared in this slide. एक तो आप सब जानते हैं कि digestive tract टर्बुलेरिया में incomplete है। incomplete means mouth होती है, they have just mouth opening and lack anus, किसी में anus नहीं होती, सिर्फ mouth, that's why we term that's a incomplete. दूसरा, इनमें blind cavity होती है, और ब्लाइंड कैविटी फ्रॉम सिंपल टू सिंपल भी होती है, अनब्रांच भी होती है, हाईली ब्रांच होती है, एक्सटेंसिवली ब्रांच। ये सारा जो हमने बात कि डाइजेस्टिव कैविटी सिंपल भी होती है, अनब्रांच, एक्सटेंसिवली ब्रांच, लोब्ड, ये सारे जो हमने डिस्कस किया। और कुछ में ये लोब्ड भी होती है और कुछ में ये हाईली ब्रांच होती है। इज द This aspect of digestive structure is especially important for in some of the larger turbulent and partially compensate the absence of the circulatory system. के जिसमें highly branched digestive cavity होती है, तो एक तो क्योंकि इनमें circulatory system true sense में नहीं होता, तो उनको compensate करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। टर्बुलेरियन फेरेंक्स फंक्शन एज इंगेस्टिव आर्गन, के फेरेंक्स के थ्रू इंगेस्टियन होती है, फूड
जो इंटर होता है वो फेरिंग्स से थ्रू होती है। इट वेरीज इन स्ट्रक्चर फ्रॉम सिंपल सिलिएटेड ट्यूब टू कॉम्प्लेक्स आर्गन डेवलप फ्रॉम द फोल्डिंग ऑफ मसल, लेकिन इनकी शक्ल सब में फेरिंग्स की एक जैसी नहीं होती। आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। इन लेटर फ्री एंड ऑफ ट्यूब लाइज इन द फेरिंग्स शीथ कैन प्रोजेक्ट आउट ऑफ द माउथ व्हेन फीडिंग। ओके, तो माउथ जो है ना दोनों रोल प्ले करता है। मोस्ट टर्बुलेरन जैसे कॉमन प्लेनेरा, ये शक्ल जो है ना जैसे कॉमन प्लेनेरा, ये कार्निवोरस होते हैं। दे फीड ऑन स्मॉल अलाइव इनवर्टिब्रेट या स्केवेंज करते हैं डेड एनिमल के, डेड एनिमल होते हैं। और कुछ जो प्लेनेरिया जो है ना वो फीड कर हर्बीवोरस होते हैं, फीड ऑन अलगा या अलजाए द स्क्रेप फ्रॉम द रॉक्स। तो प्लेनेरिया की डाइवर्स जो है ना फीडिंग हैबिट्स कार्निवोरस भी होते हैं, स्केवेंजर्स होते हैं और हर्बीवोरस होते हैं। लेट्स डिस्कस द सेंसरी स्ट्रक्चर के इनमें सेंसरी सेल कौन से होते हैं। एक तो सेंसरी सेल कीमोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं, दे पजेस द कीमोरिसेप्टर ऑन देयर हेड हेल्प देम डिटेक्ट फूड फ्रॉम कंसिडरेबल डिस्टेंस के, वहां इनके हेड रीजन में दे पजेस द कीमोरिसेप्टर्स, वो उस कीमोरिसेप्टर से they detect the food. Then food is food digestion. यहां जो इनमें हो रही है वो एक्स्ट्रा सेल सॉरी फूड डाइजेशन इज पार्शली एक्स्ट्रा सेलुलर और फेरेंक्स फेरेंजल ग्लैंड्स जो है ना वो सीक्रेट करते एंजाइम, वो एंजाइम जो है ना दे ब्रेक द डाउन द फूड इनटू स्मॉलर यूनिट। और इनमें जो डाइजेस्टिव कैविटी होती है, इन डाइजेस्टिव कैविटी द फेगोसाइटिक सेल, वो फेगोसाइटिक सेल इनगल्फ करते हैं स्मॉल फूड को और वहां जो है ना इंट्रासेलुलर डाइजेशन या इंट्रासेलुलर वेसिकल्स होता है। तो मीन्स इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों डाइजेशन हो रहा है। टर्बुलेरन में रेस्पिरेटरी आर्गन नहीं होता, जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वो डिफ्यून के थ्रू बॉडी वाल के थ्रू जो है ना डिफ्यून होता है, लेकिन बॉडी वाल के थ्रू जो डिफ्यून होता है उनके थ्रू इनकी एक्सचेंज होती है। जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट है उनमें वो अमोनिया है, अमोनिया भी डिफ्यून के थ्रू रिमूव होती है। मेरिन जो इन्वायरमेंट होता है वहां जो इन्वायरमेंट मीन्स इन मेरिन इन्वायरमेंट इन्वर्टिब्रेट आर ऑफन इन ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम विद देयर इन्वायरमेंट। इस पॉइंट का मकसद ये है कि मेरिन इन्वायरमेंट जो में जो जानदार रहते हैं इनवर्टिब्रेट उनका जो है ना वो दे आर इन बैलेंस विद एनवायरनमेंट। तो वहां इन फ्रेश इनवर्टिब्रेट आर हाइपरटोनिक टू देयर एक्यूटिक एनवायरनमेंट और इस वजह से उनको ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन रेगुलेट करना पड़ती है। तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इनमें जो फ्रेश वाटर टर्बुलेरेंस हैं उनमें जो है प्रोटोनेफ्रिडिया पाई जाती है। प्रोटोनेफ्रिडिया ये ऑस्मोरेगुलेशन के काम करती है। वो प्रोटोनेफ्रिडिया आप देख सकते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर प्रोटोनेफ्रिडिया के हैं। इसमें फ्लेम सेल, नेफ्रिडोफोर, ये सारे स्ट्रक्चर, लुक एट दिस वन, नेफ्रिडोफोर की ये स्ट्रक्चर, ये सारी जो है ना प्रोटोनेफ्रिडिया इनमें पाए। नाउ प्रोटोनेफ्रिडिया are the network of fine tubule, this one, these are tubules that run length of the turbinate, जैसे जैसे body length होती है ऐसे run करते हैं
और उनमें न्यूमरस फाइन ब्रांचेस होते हैं और इनमें दे हैव द टाइनी इनलार्जमेंट, पेरेन्काइमा की जो है ना एक टाइनी इनलार्जमेंट, उनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। लुक एट दिस वन, फ्लेम सेल्स। तो सिंपली इसका मकसद ये है कि प्रोटोनेफ्रिडिया एक बड़ा नेटवर्क है फाइन ट्यूबल का, जिसमें बहुत ज्यादा फाइन फ्लेम सेल्स होते हैं, और फ्लेम सेल्स जो है ना वो कैंडल के फ्लेम जैसे होते हैं, और उनमें सिलिया होती है, ल्यूमन होता है, देन दे हैव सिल्ट लाइक फेनेस्ट्रेशन, मींस उनमें एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग के थ्रू जो है ना वो सराउंडिंग से जो है ना वो कनेक्टेड होते हैं। तो वहां जब सिलिया जो है ना बीट करती है तो इट विल क्रिएट द नेगेटिव प्रेशर, जिसकी वजह से जो फ्लूइड फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यू इज सक्ड देयर, नेगेटिव प्रेशर की वजह से सराउंडिंग टिश्यू के जो फ्लूइड होते हैं वो सक होकर यहाँ आ जाते हैं, और जो उस फेनेस्ट्रा के थ्रू और फेनेस्ट्रा के बाद जो है ना वो बाहर जाते हैं एक ट्यूब के थ्रू, मिस टिश्यू से यहाँ आएंगे फ्लेम सेल में, वो किसके थ्रू आएंगे, फेनेस्ट्रा के थ्रू। उस फ्लेम सेल से बाहर जो जाएंगे, आउटसाइड जाएंगे, वो नेफ्रिडोपोर के थ्रू जो है ना एक्सक्रेटरी मटेरियल जाएगा। टर्बुलेंस हैव सब एपिडर्मल नर्व सेल या नर्व टिश्यू, इनमें सब एपिडर्मल मींस बिलो द एपिडर्मिस, लुक एट दिस वन, दिस इज द एपिडर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के नीचे जो है ना देयर इज अ नर्व सिस्टम। नर्व्स आर नेट लाइक आर फाइबर कोलेस टू फॉर्म द सेरिब्रल गैंग्लियन। तो ये सारा जो आप दोनों स्ट्रक्चर में ये नेट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और यहाँ जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस वन इज अ सेरिब्रल गैंग्लियन, और यहाँ भी आप देख सकते हैं सेरिब्रल गैंग्लियन, तो इस पे होते हैं मौजूद होते हैं। प्लेन एरिया जैसे डगेसिया है कंसिस्ट ऑफ सब एपिडर्मल नर्व नेट एंड सेवरल पेयर ऑफ लॉन्ग नर्व कॉर्ड। Okay, look at this one. This is a nerve cord. इसको हम lateral nerve cord कहते हैं, lateral nerve cord. और lateral branches called commissures, इनकी lateral branches होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, commissures कहते हैं। Nerve cord and their commissure give ladder-like appearance. ये nerve cord हो गया, और इनकी जो है ना ये commissures हैं, तो दिखने में आपको सीढ़ी जैसे या लेडर लाइक नजर आते हैं। तो ये जो है ना लेडर लाइक ऑर्गेनाइजेशन है नर्व सिस्टम की। सो न्यूरॉन्स ऑर्गेनाइज इनटू सेंसरी मोटर, ओके, तो इनके न्यूरॉन्स सेंसरी, जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ हाईली डेवलप ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स में मोटर इंटर न्यूरॉन सेंसरी, तो यहाँ जो दो एग्जाम के प्रिमिटिव न्यूरॉन नजर आ रहे हैं सेंसरी और मोटर, और इसमें एक और स्ट्रक्चर होती है आरिकल, यहाँ देखें दिस इज़ आरिकल। आरिकल भी एक सेंसरी लोब होता है जो हेड के बिल्कुल साइड में प्रोजेक्ट होता है, एंड कीमोरिसेप्टर दैट एड इन फूड लोकेशन आर स्पेशली डेंस इन द आरिकल। जो कीमोरिसेप्टर जो हमने पहले कहा जिसके थ्रू जो फूड डिटेक्शन में हेल्प हो रही है वो यहाँ ऑरिकल्स में पाए जाते हैं। मोस्ट टर्बुलेंस हैव टू आई स्पॉट, यहाँ दो आई स्पॉट होते हैं, पिछली स्लाइड में वो आप क्लियर था, और दीस ओसिलाई ओरिएंट द एनिमल टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। ओसिलाई का मेन फंक्शन क्या है कि लाइट को जो है ना की तरफ से लाइट को डिटेक्ट करें, उनकी तरफ ओरिएंटेशन करें। वो फोटो नेगेटिव फोटोटेक्टिक हो सकती है और पॉजिटिव फोटोटेक्टिक हो सकती है। एंड ईच ओसिलस कंसिस्ट ऑफ कप डिप्रेशन लाइन विथ ब्लैक पिगमेंट, और उनमें फोटोरिसेप्टर्स नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं, और उनका कनेक्शन जो होता है वो सेरिब्रल गैंग्लियन के साथ होता है।
रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन टर्बुलेरिया। मेनी टर्बुलेरियन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली असेक्सुअली बाय ट्रांसवर्स फिशन। ये बॉडी है और बॉडी इस तरीके से डिवाइड होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स फिशन। तो फिशन इज द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अक्सर जो है ना, जहां फेरेंस होती है वहां फिशन शुरू होता है, बिहाइंड द फेरेंस ये शुरू होता है। सो टू आर मोर एनिमल रिजल्ट फ्रॉम द फिशन आर कॉल्ड जॉइड। जो इनके फिशन से जो पहले एनिमल पैदा उनको हम जॉइड करते हैं कहते हैं। और दूसरा तरीका, इनमें रीजनरेशन भी हो सकता है। Sometimes zooid remain attached until they attain the fairly complete degree of development. और इस तरीके से zooid attach होते हैं जब वो self बिल्कुल self develop हो जाते हैं, तो वो independently separate होकर independent individual बन जाते हैं। Turbularians are monoecious. Look at this. This is the ovary. And these are the testes. So single body contain both male and female reproductive system or organ. So we term that is a monoecious. Numerous pair testes lie each side. Yes, सारे जो आप देख रहे हैं pair के form होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें होते हैं, means testes पाए जाते हैं। और दे हैव वहाँ स्पर्म प्रोडक्शन होती है, उसमें एक स्पर्म डट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, वासा डिफरेंसा। लुक एट दिस वन, ये दिस स्पर्म डट वासा डिफरेंसा एंड लीड टू द सेमिनल वेजिकल। लुक एट दिस वन, दिस इज द सेमिनल वेजिकल। और सेमिनल वेजिकल्स के बाद जो है ना एक प्रोट्रूडेबल पीनस में ये एंट्री होती है। और ये मेल का हो गया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस स्पर्म डट या वासा डिफरेंसा सेमिनल वेजिकल्स और पीनस पैंड मुश्तमिल होते हैं। फीमेल में वन टू मेनी पेयर ऑफ ओवरी, जैसे यहाँ आपको दो ओवरी नजर आ रही हैं और ओवरी के बाद जो है ओवी डट लीड ओवरी फ्रॉम ओवरी टू द जेनिटल पोर। ये जो है ना जेनिटल पोर यहाँ तक इनको ले आती है। एंड देन इवन दो टर्बुलेरेंस आर मोनोशस रेसिप्रोकल स्पर्म एक्सचेंज बिटवीन टू एनिमल इज द रूल। के हैं तो वो मोनोशस के दोनों ऑर्गन्स एक ही में पाए जाते हैं, लेकिन क्या है कि वो रेसिप्रोकल होता है, एक स्पर्म इंडिविजुअल देगा दूसरा एक एक देगा। तो इस तरीके से जो इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। सो दिस इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है कि वन इंडिविजुअल फर्टिलाइज एन अदर इंडिविजुअल, क्योंकि इनमें जेनिटल पोर भी है, इसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन या पेनिस भी पाए जाते हैं। आफ्टर कॉपुलेशन स्पर्म मूव फ्रॉम द कॉपुलेटरी सैक। लुक एट दिस वन, दिस इज द कॉपुलेटरी सैक। स्पर्म यहां से मूव करके मूव टू द जेनिटल चेंबर, दिस वन इज नोन एज द जेनिटल चेंबर। और वहां जेनिटल चेंबर जो है ना देन थ्रू द ओविडट टू द ओवरी, और वहां से जो है ना ओविडट से लेकर ओवरी तक और वहां फर्टिलाइजेशन होती है। कॉपुलेशन का मकसद है मेल और फीमेल का आपस में करीब आना। तो जब मेल और फीमेल करीब आएंगे तो स्पर्म कहाँ आएगा, स्पर्म मेल अपने मेल ऑर्गन पेनी से पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट के बाद वो कहाँ आएगा, कॉपुलेटरी सेक में। कॉपुलेटरी सेक के बाद कहाँ आएगा, इट गोज इनटू द जेनिटल चैम्बर। जेनिटल चैम्बर के बाद जो है ना वो ओवी डट जो है ना उससे लीड करेगा, ओवी डट के थ्रू जो है ना वो कहीं ओवरी में रीच करेगा और वहां जो है ना फर्टिलाइजेशन होगी।
और एग में योक में भी आइदर बी डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड इन एग आर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ योक सेल में बी लेड अराउंड द जाइगोट एज इट पास फ्रॉम द ओविडट पास डाउन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पास द विटलेरिया योक सेल। कि इसका सिंपल मकसद ये है कि योक जो है ना पहले भी डेवलप होते हैं और बाद में भी इनकॉर्पोरेट होते हैं, स्पेशली जो योक ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ आपने विटलेरिया का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, इनको हम योक ग्लैंड कहते हैं, वो जो है ना योक प्रोवाइड करते हैं। सो एग्स आर लेड विथ और विदाउट जेल लाइक मास। अब लेडिंग हो रही है कि आने अंडे दे रहा है, तो हो सकता है कि उसमें जेल लाइक मास हो या ना हो। अ हार्ड कैप्सूल कॉल कुकून, यहाँ जिसे एग शेल कहते हैं, इट इंक्लोजेस मेनी एग्स ऑफ द टर्बिलेरिया। दीज कोकून अटैच द सबस्ट्रेट बाय स्टॉक एंड कंटेन सेवरल एम्ब्रियो पर कैप्सूल। के एग्स की कवरिंग को कोकून कहते हैं। कोकून का काम है सबस्ट्रेट या सरफेस के साथ अटैच होना, और एक कैप्सूल में बहुत ज्यादा एम्ब्रियो की तादाद हो सकती है। तो इनमें टर्बुलेरन में दो टाइप के कैप्सूल बनते हैं। एक समर कैप्सूल होता है हेच इंटू 2 और 3 वीक्स और प्रोड्यूस द इमेच्योर एनिमल, इमेच्योर एनिमल्स इमर्ज होते हैं। दूसरा एक कैप्सूल ऑटम में प्रोड्यूस होता है जो थिक वाल होता है और फ्रीजिंग और ड्राइनेस को रिजिस्ट कर सकता है। और ये कोकून जो है ना ये ओवर विंटरिंग सीजन में जो है ना हैच होगा। ऑटम में जो है ना वो लेट होगा, हैचिंग जो है ना ओवर विंटरिंग में होगा। सो डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट टर्बुलेंट इज अ डायरेक्ट ग्रेजुअल सीरीज ऑफ चेंजेस इनटू द एम्ब्रियो टू एडल्ट। कुछ में टर्बुलेंस में जो फ्री स्विमिंग स्टेज भी आती है उसको हम क्या कहते हैं, मुलर लार्वा कहते हैं। मिस ज्यादातर डेवलपमेंट क्या होती है, डायरेक्ट होती है, उसमें कोई लार्वा, लेकिन कुछ टर्बुलेंस में जो लार्वा होता है वो मुलर्स लार्वा होता है, इसको आपको याद रखना है। एंड इट हैज द सिलिएटेड एक्सटेंशन फॉर फीडिंग एंड लोकोमोशन। सिलिया होती है फीडिंग और लोकोमोशन में। लार्वा इवेंचुअली सेटल टू द सबस्ट्रेट एंड डेवलप इनटू यंग टर्बुलेरन। और लार्वा जब सबस्ट्रेट का साथ सेटल हो जाएगा तो एक उससे एक यंग टर्बुलेरन प्रोड्यूस होगा। लेट्स डिस्कस क्लास ट्रिमेटोड्स या ट्रिमेटोडा ऑफ फाइलम। प्लेटीहेल मींस प्रीवियस स्लाइड्स में we discuss about the tabularia right now। या इसके जो कंटिन्यूटी में स्लाइड आएंगे वो सारे जो ना दैट दोज आर रिलेटेड विद द क्लास ट्रिमेटोडा। वैसे ट्रिमेटोडा ट्रीमा, ट्रीमा मीन्स पोर। इनमें ओरल और वेंट्रल पोर होते हैं जिनको ओरल सकर और वेंट्रल सकर कहते हैं। बिकॉज ऑफ दीज पोर्स वी ट्रम दैट इज द ट्रीमा आर ट्रिमेटोडा। दुनिया में 10,000 स्पेशीज पाए जाते हैं। दे आर पैरासाइटिक फ्लेटवर्म्स, नो फ्री लिविंग इन देम, और कॉमनली वी ट्रम देम फ्लूक्स। सो ट्रिमेटोड्स को हम फ्लूक्स कहते हैं। वाई? बिकॉज दे हैव वाइड एंड फ्लैट शेप, आर लीफ लाइक शेप। ये फ्लूक जो है ना ट्रिमेटोड्स वर्टिब्रेट के पैरासाइट्स होते हैं। हाँ, इनकी जो इमेच्योर स्टेज होती है, सब एडल्ट स्टेज होती है, वो स्टेज जो है ना इनवर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट या किसी प्लांट के ऊपर जो हो सकते हैं। मीन्स एडल्ट इनका वर्टिब्रेट में रहता है, लेकिन इमेच्योर जो है ना मे बी वर्टिब्रेट में, मे बी इनवर्टिब्रेट में, या कहीं प्लांट के ऊपर जो है इंसिस्टेड हो। ये इनकी बहुत ज्यादा स्पेशीज जो है ना इकोनॉमिक और मेडिकल इंपॉर्टेंस के हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर है। तो पैरासाइट डिजीज के हवाले से ये इनको खास अहमियत दी जाती है।
मोस्ट फ्लूक्स आर फ्लैट एंड ओवल इलांगेटेड, ओवल टू इलांगेटेड, जैसे ये इलांगेटेड है, ज्यादा ओवल नहीं, लेकिन आप लिवर फ्लूक को देखेंगे वो समहाउ ओवल आपको नजर आएगा। और इनकी बॉडी की साइज लेस देन 1 मिलीमीटर टू 6 सेंटीमीटर तक हो सकती है। दे फीड ऑन द होस्ट सेल एंड सेल फ्रेगमेंट्स, जहां जिस होस्ट में रहते हैं उस होस्ट में अगर उस आर्गन जहां पाए जाते हैं अगर न्यूट्रिशन हो तो न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हैं, अदरवाइज उनको उनके बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक इंक्लूड माउथ एंड पंपिंग फेरिंग्स, और इसके बाद जो है ना मैं तस्वीर में दिखाता हूँ, ये माउथ रीजन और देन ये पंपिंग मस्कुलर फेरिंग्स, देन दिस एरिया इज एसोफेगस, एसोफेगस डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, इनको हम कहते हैं इंटेस्टाइन आर सीका कहते हैं, वी कॉल सीका। और ये सीका जो है ना लास्ट में यहाँ आप देख सकते हैं, दीज आर द ब्लाइंड हेयर। ओके, कुछ में ये सीका ब्रांच होते हैं और कुछ में ये सीका अनब्रांच्ड होते हैं। सम फ्लूक्स सप्लीमेंट देयर फीडिंग बाय एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट अक्रॉस द बॉडी वॉल, जैसे पहले लाइन में स्लाइड की लाइन में हमने कहा कि दे फीड ऑन द होस्ट सेल। दूसरा इनका मेथड है कि वहां जो जिस ऑर्गन में होते हैं वहां न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब करते हैं। लेट्स डिस्कस द बॉडी वॉल ऑफ ट्रिमिटोर्स। द बॉडी वॉल स्ट्रक्चर इज सिमिलर फॉर ऑल फ्लूक्स, क्योंकि ये सारे पैरासाइटिक हैं, तो पैरासाइट लाइफस्टाइल में जो एपिडर्मिस होती है, सो दैट एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ एन आउटर लेयर, जिसे हम क्या कहते हैं, टेग्यूमेंट्स कहते हैं, वी टर्म दैट इज द टेग्यूमेंट। लुक एट दिस वन, दिस एरिया ऑफ आउटर एपिडर्मिस, इसको हम क्या कहते हैं, टेग्यूमेंट्स कहते हैं, विच फॉर्म अ सिंसिचम। सिंसिचम मीन्स इसमें मल्टी न्यूक्लिएट हो सकते हैं, मल्टी बहुत ज्यादा सेल जो है ना वो फ्यूज हो सकते हैं। सो आउटर जोन ऑफ टेग्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक लेयर ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट काल ग्लाइको कैलेक्स, के जो टेग्यूमेंट की जो आउटर कवरिंग है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइको कैलेक्स, और ग्लाइको कैलेक्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी है। So main function of the carbohydrate is to help or aid in transport of the nutrient waste and gases exchange across the body wall. कि tegument में जो glycocalyx हिस्सा है वो nutrient waste और gases exchange में part play करता है। Second जो main इनका function है, क्योंकि ये पैरासाइट होस्ट में रहते हैं और होस्ट के इम्यून सिस्टम को धोखा देना, उसको रिजिस्ट करना कोई मजाक की बात नहीं है, तो ये ग्लाइकोकैलेक्स जो है ना टेग्यूमेंट की जो है ना होस्ट के इम्यून सिस्टम से या होस्ट के एंजाइम से इन फ्लूक्स को बचाती है। और उसी जोन में छोटी सी विलाय पाई जाती है, इनको हम माइक्रोविलाय कहते हैं, और ये माइक्रोविलाई का जो मेन फंक्शन है दैट फैसिलिटेट इन द न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। फर्दर मोर द साइटोप्लाज्मिक बॉडीज दैट कंटेन न्यूक्लिया एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल लाई बिलो द बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहां अब ये आ रही है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, सो जो भी साइटोप्लाज्मिक बॉडीज हैं, लुक एट दिस वन, दिस वन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होते हैं, तो इनमें ये सिलेंडर लाइक सेल प्रोसेस होते हैं। ओके, उसको हम साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कहते हैं। लुक एट दिस सिलेंडर लाइक साइटोप्लाज्मिक, इसको हम ब्रिज कहते हैं।
ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज जो है ना, साइटोप्लाज्मिक बॉडी, ये साइटोप्लाज्मिक बॉडी और टेग्यूमेंट के आउटर जोन को कनेक्ट करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द सब क्लासेस ऑफ क्लास ट्रिबिटोडा। सो सब क्लास, दो सब क्लासेस हैं ट्रिमेटोडा के। वन इज नोन एज सब क्लास एस्पिडो गैस्ट्री एंड सेकेंड इज नोन एज सब क्लास डाइजोली। सो सब क्लास एस्पिडो गैस्ट्री इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फिल्यूक्स जो सिर्फ मोलस्कस के एंडोपेरासाइट हैं। हाँ, कुछ केसेस में इनका सेकेंड होस्ट फिश या टर्टिल हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये मोलस्कस में पाए जाते हैं। सेकेंड सब क्लास डायजीना, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फ्लूक इसमें पाए जाते हैं, जो फर्दर अभी डिस्कशन नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे वो इसके मुताबिक इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। नाउ डायमिस टू जीना मीन्स लाइफ। ओके, सो दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, सो दैट्स व्हाई टू आर मोर होस्ट, सो दैट्स व्हाई वी फ्रॉम देम डाइड डायजीनिया। सो दिस डायजीनिया कंप्राइजेस मीन्स द फिलुक्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, और ये मेडिकली या मेडिसिनली जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर इन दिस सब क्लास एटलीस्ट टू डिफरेंट फॉर्म्स एन एडल्ट आर लार्वल स्टेजेस के। यस, अगेन क्वेश्चन कैन बी आस्क, ये दो या दो से ज्यादा होस्ट में क्यों गुजारते हैं? द सिंपल इज दैट वन, कि इनमें जो इनकी जो लाइफ स्टेजेस होती हैं, कि एम्ब्रियो की स्टेज या दो, वो मुख्तलिफ होती है, एडल्ट से मुख्तलिफ होते हैं। तो लार्वी कहीं और रहता है, एडल्ट कहीं और सुटेबल रहता है। ओके, सो हेयर इनकी अक्सर जो है ना नॉर्मली टू डिफरेंट स्टेजेस में, एक लार्वल स्टेज, दूसरी एडल्ट। लार्वल में भी डिफरेंशिएशन होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बिकॉज डायजेनिक फिलिक रिक्वायर एटलीस्ट टू डिफरेंट होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, एंड दैट इज वाई वी हैव प्लेस्ड इन डायजीना। सो एज एडल्ट दे आर एंडोपेरासाइट इन द ब्लड स्ट्रीम, डाइजेस्टिव ट्रैक एंड डट ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन आर विजरल ऑर्गन आर वाइडली वाइड वैरायटी ऑफ वर्टिब्रेट एज अ डेफिनेट और फाइनल होस्ट। के इनके एडल्ट जो है ना डायजन के, वो कहाँ? ब्लड में, डाइजेस्टिव ट्रैक जिसमें स्टमक इंटेस्टाइन, विजरल ऑर्गन जिसमें लिवर किडनी भी हो सकती है, कोई और भी ऑर्गन हो सकता है, और ज्यादातर क्योंकि ये सेक्शुअल स्टेज वर्टिब्रेट में अंडे देते हैं, तो वर्टिब्रेट इनके क्या होते हैं? डेफिनेटिव होस्ट होते हैं। वन आर मोर इंटरमीडिएट होस्ट, कि एक तो उनका होस्ट डेफिनेट होगा, दूसरे जो होस्ट होता है उसको हम इंटरमीडिएट, एंड इंटरमीडिएट कैन बी वन आर मोर, क्योंकि लार्वल स्टेजेस भी जो इमेच्योर स्टेजेस, उनकी भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं ये। इसके अलावा डायजिन या दीज फ्लुक्स हैव एडहेसिव ऑर्गन, इनमें दो लार्ज सकर्स पाए जाते हैं। वन इज नोन एज ए दिस वन ओरल सकर, इसको हम एंटीरियर सकर कहते हैं, माउथ को सराउंड करता है। सेकेंड अदर सकर इज नोन एज ए वेंट्रल सकर, या इससे हम एसिटाब्यूलम भी कहते हैं, एंड इट ऑलवेज लोकेटेड बिलो द ओरल सकर, ओरल सकर के नीचे या कहीं मिडिल पोर्शन में डिफरेंट, क्योंकि ये जनरल एक डायग्राम है, मिडिल पोर्शन में भी हो जो है ना हो सकते हैं या पाए जा सकते हैं। लेट्स डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ द डायजन ट्रिमेटोड। सो एग ऑफ डायजेनिक ट्रिमेटोड्स आर ओवल,
इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, दिस इज द एग इन द फीसिस के एग्स ऑफ डाइजेंट ट्रिमेटोड शक्ल में ओवल होते हैं एंड हैव लिड लाइक हेज, एक उनकी कवरिंग होती है उसको हम अपरक्यूलम कहते हैं। एग्स और ओवल एंड दे हैव अपरक्यूलम। व्हेन दिस एग रीच इन फ्रेश वाटर, व्हेन एग्स रीच इन द फ्रेश वाटर दिस अपरक्यूलम ओपन्स और उस अपरक्यूलम से एक सिलिएटेड मीन्स हैविंग सिलिया सिलिएटेड लार्वा इमर्ज आउट होता है। तो इस सिलिएटेड लार्वा को हम मिरासीडम कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरासीडम कहते हैं। मिरासीडम इज सिंगुलर, मिरासीडिया इज अ प्लूरल। ये वहां फ्रेश वाटर में स्विम करेगा। तो एग्स के बाद क्या आ रही है? एक लार्वल स्टेज, उसे हम मिरासीडम। मिरासीडम स्विम, ये पानी में स्विम करेगा। जहां भी उनको इंटरमीडिएट होस्ट, सूटेबल इंटरमीडिएट होस्ट, स्पेशली इनका जो जो सूटेबल इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं वो स्नेल होते हैं। और इस यहाँ भी ये स्नेल की बॉडी दिखाई गई, स्नेल की, तो ये स्नेल की बॉडी में इंटर होगा। ओके, वो कैसे इंटर होगा? वो केमिकली अट्रैक्टेड हुआ, केमिकल के थ्रू जो है ना। तो मिरासीडम स्नेल की बॉडी को पेनिट्रेट करेगा, उनकी ये सिलिया जो है ना लूज होगी, और उस सिलिया लूज करके मिरासीडम से जो अभी लार्वा पैदा होगा उससे हम क्या कहते हैं? स्पोरोसिस्ट कहते हैं। वी टर्म दैट इज अ स्पेरो स्पोरोसिस्ट। अब जो है ना स्पोरोसिस्ट जो है ना वो एक बैग लाइक, उसमें छोटे छोटे बहुत ज्यादा एम्ब्रियो पाए जाते हैं, और एम्ब्रियो से डॉटर स्पोरोसिस्ट पैदा होते हैं। इसमें से डॉटर स्पोरोसिस्ट पैदा होंगे, उस डॉटर स्पोरोसिस्ट को हम क्या कहते हैं? रेडियाई कहते हैं। तो इस स्लाइड में हमने इनकी लाइफ मीन्स एडल्ट एग्स प्रोड्यूस कर रहा है, एग से मिरासीडियम प्रोड्यूस हो रहा है, मिरासीडियम इंटर हो रहा है स्नेल में, इट लूजेस द सिलिया और चेंज इनटू स्पोरोसिस्ट, और स्पोरोसिस से डॉटर स्पोरोसिस्ट पैदा होंगे जिसको हम रेडी कहेंगे या रेडिया कहेंगे। अब जो है ना एट दिस पॉइंट इन द लाइफ साइकिल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्स्ट अकर। अब यहाँ जो है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह, एक सिंगल मिरासीडियम से 100 स्पोरोसिस्ट पैदा होते हैं, और इन टर्न 100 रेडियाई जो है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं। मीन्स मिरासीडियम से 100 स्पोरोसिस्ट, और उससे फिर असेक्सुअली जो है ना रेडियाई प्रोड्यूस होते हैं। नाउ एम्ब्रोनिक सेल इन ईच डॉटर स्पोरोसिस रेडियाई प्रोड्यूस 100 ऑफ नेक्स्ट लार्वल स्टेज, और इन्हीं से रेडियाई से 100 जो है ना एक लार्वल स्टेज प्रोड्यूस होती है, उसको हम सिरकेरिया कहते हैं। व्हाट वी कॉल सिरकेरिया। तो इस सिरकेरिया, क्योंकि इसमें इसको हम पाली एम्ब्रियो कहते हैं। ओके, सिरकेरिया, दिस फेनोमेन ऑफ प्रोड्यूस मेनी सिरकेरिया, के रेडियाई से बहुत ज्यादा सिरकेरिया पैदा हो रहे हैं, तो इसको हम पाली एम्ब्रियो भी कहते हैं। इट ग्रेटली इन्हांस द चांस दैट वन आर टू ऑफ दी सिरकेरिया विल फर्दर द लाइफ साइकिल। ये इतने ज्यादा क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? कि क्योंकि हार्श कंडीशन एनवायरमेंट की हो सकता है कि वो सर्वाइव न कर सकें, उसमें कुछ ना कुछ एडल्ट बन जाए और एडल्ट के बाद वो अपनी लाइफ साइकिल कंटिन्यू कर सके। अब जो है ना असिरकेरिया है, अब सिरकेरिया में क्या होते हैं? दे हैव द डाइजेस्टिव ट्रैक, सकर एंड टेल, ये तीन चीजें सिरकेरिया में होते हैं। वन इज द डाइजेस्टिव ट्रैक, आप ये सकर देख रहे हैं, लुक एट दिस सकर, ये इनके एसोफेगस। ओके, और डाइजेस्टिव ट्रैक ये सिरकेरिया में पाए जाते हैं। नाउ सिरकेरिया जो है ना स्नेल को लीव करेगा, लीव द स्नेल एंड स्विम फ्री, और ये सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट जो है इनकाउंटर करेगा, या फाइनल होस्ट को इनका, कुछ में सेकंड इंटरमीडिएट में जाएंगे, कुछ में जो है ना फाइनल
वर्टिब्रेट होस्ट में, तो सिरकेरिया पेनिट्रेट्स होस्ट, और वहां जो है ना चेंज हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेटा सिरकेरिया। यहाँ ये सिरकेरिया प्लांट के ऊपर इट्स कन्वर्टेड इनटू द मेटा सिरकेरिया। When a definite host eats the second, अब जो है ना कोई definite host plant को खाएगा, तो plant के में इन ये भी होंगे, इनके पत्तों के ऊपर ये metasirchera भी होंगे, वो उस पे जो है ना enter होगा, definite host में enter होगा, क्योंकि sheep वगैरह खाते हैं या human जो है ना वो plants खाते हैं वेजिटेबल के तौर पे, तो उनकी अगर उसको धो करके नहीं खाएंगे तो वो सारे जो है ना मेटासिरकेरिया हमारी बॉडी में आ जाएगा, और वो बॉडी जो है ना वहाँ एक्सिस्ट होगा, सिस्ट से बाहर आएगा और चेंज इनटू द एडल्ट स्टेज। एडल्ट के बाद दोबारा ये अंडे देगा, अंडे हमारे फीसिस के थ्रू जो है ना वो बाहर जाएंगे। Now let's discuss some important trematode parasites of human. जैसे हमने कहा था कि platyhelminths में जो उनके मेंबर हैं फ्लूक, वो मेडिसिनली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ हम चंद जो है ना सिर्फ तीन जो है ना डायनेजेनिक ट्रीमेटोड का जिक्र करेंगे, और आगे चलकर दो जो है ना सिस्टोड का जिक्र करेंगे जो हमारे मेडिसिनली इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा और भी हैं लेकिन यहाँ जो मेजर हैं वो करें। पहला जो है, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, दिस वन, इसको हम चाइनीज लिवर फ्लू कहते हैं, इनका नाम आपको याद है, क्लोनार्कस साइनेसिस इज अ कॉमन पैरासाइट ऑफ ह्यूमन इन एशिया, और एशिया में यहाँ इनके तकरीबन 30 मिलियन लोग जो है ना इनसे इन्फेक्टेड होते हैं, और ये एडल्ट जो है ना हमारी बाइल डट, लिवर की बाइल डट में रहता है, वहां उनके जो एपिथेलियल टिश्यू है या ब्लड उसे खाता है, और एडल्ट रिलीजेस एम्ब्रियोनेटेड एग्स इनटू द कॉमन बाइल डट, कि हमारे में लिवर में तो रहता है, और वहां जो ना अपने एग्स जिसमें एम्ब्रियो होता है तो उसको हम एम्ब्रियोनेटेड एग्स कहते हैं, वो कॉमन बाइल डट में रिलीज करेगा। नाउ रिलीज करेगा क्योंकि कॉमन बाइल डट इंटेस्टाइन में आती है, और इंटेस्टाइन में फिर फीसिस के थ्रू जो है ना वो बाहर डिस्चार्ज होती है, और जब फीसिस के थ्रू डिस्चार्ज होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बंदा जो है ना खा रहा है, तो इसमें से ये वॉशरूम में जाएगा, तो उनके फीसिस में इनकी एग्स होंगे, क्या होंगे, एग्स होंगे, वो एग्स कहाँ जाएंगे, पानी में जाएंगे, और पानी में जाएंगे तो वो एग्स से मिरासीडम रिलीज होगा, एक से क्या मिरासीडम रिलीज होगा, जब वो स्नेल में होगा, क्योंकि स्नेल इनका क्या है, फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट है, और फिर वही प्रोसेस जो हमने लाइफ साइकिल में पढ़ा, उससे स्पोरोसिस पैदा होगा, जो सिलिया रिमूव होगा, स्पोरोसिस रेडियाई स्टेज आएगी, रेडियाई से सिरकेरिया इमर्ज होगा, और वो स्नेल को लीव करके, आप यहाँ देख सकते हैं स्नेल को छोड़ करके वो सिरकेरिया अब मछली को, यहाँ मछली से कांटेक्ट उस पानी में आएगा, तो ये जो सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट मछली होती है इनकी, तो मछली के एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करेगा, और वहाँ अपना जो टेल रीजन है वो लूज करेगा, तो वहाँ जो मछली में इंटर होगा सिरकेरिया, तो नाउ इट चेंज इनटू द मेटा सिरकेरिया। अब जो है ना हमारी आदतें ऐसे होते हैं, कभी कभी हम खाना जो है ना अच्छे तरीके से नहीं पकाते, या शौक होता है हमें के रा फिश खाने का, कच्ची मच्छी खाने का, या अन नॉट प्रॉपरली कुक्ड जो है ना मछली जो है ना खाते हैं, जो थोड़ी सी कच्ची होती है, रा होती है, तो वो मछली के थ्रू जो है ना दोबारा ये उनकी जो गोश्त के थ्रू जो है ना हमारी बॉडी में इंटर हो जाती है, और इस तरीके से जो है ना वहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ एशियन कंट्रीज में या वेस्टर्न वर्ल्ड में कुछ मछलियाँ जो सुशी है, साशमी है, सिवी है, ये बहुत पॉपुलर हैं, और कभी कभी यहाँ जो एडवेंचर के लिए कच्ची भी खाते हैं या प्रॉपर नॉट प्रॉपरली कुक्ड खाते हैं, तो इसकी वजह से ये हमारी बॉडी में, तो
तो आ जाते हैं इस तरीके से उनकी लाइफ साइकिल ये कंटिन्यू होती है। सेकंड, मेडिकली या मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट जो मेडिकली इम्पॉर्टेंट है वो फेशुला हेपेटिका, जिसको हम शीप लिवर फ्लू कहते हैं। लुक एट दिस वन, दिस द शीप लिवर फ्लू। इनकी वैसे हमने जनरल लाइफ साइकिल में डिस्कशन किया है, क्योंकि ये कॉमनली शीप शिपिंग एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ शीप लोग होते थे, तो शीप इनकी डेफिनेट होस्ट होती है। तो वहाँ ये एडल्ट जो है ना, उन शीप की बाइल में या लिवर में रहता है, और वहाँ सेम लिवर से एग्स रिलीज होते हैं कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, इंटेस्टाइन शीप के इंटेस्टाइन में आएंगे, और फिर शीप जो है ना इंटेस्टाइन से उनके फिश निकलेगा, तो एग जो है ना फ्रेश वाटर में जाएंगे, और वहाँ हेच होकर क्या मिरासीडियम में कन्वर्ट होंगे। मिरासीडम फिर स्नेल को ढूंढेगा, स्नेल में इंटर होगा, तो स्नेल में स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट होगा, स्नेल में स्पोरोसिस्ट, और स्पोरोसिस्ट जो है ना डेवलप हो गई रेडाई में, और रेडाई जो है ना वो जो है ना जब रेडाई से सिरकेरिया पैदा होगा, सिरकेरिया स्नेल को छोड़ करके पानी में आएगा वेजिटेशन के ऊपर, मीन्स किसी न किसी पौधे के ऊपर। जब ये पौधे के ऊपर आएगा तो ये सिरकेरिया बन जाएगा मेटा सिरकेरिया। अब इस पौधों को जो है ना शीप खाएगी, भेड़ खाएगी, तो जो है ना वो हमारी जो है ना शीप में आ जाएगा। जब उनको गोश्त हम खाएंगे, शीप के गोश्त को हम खाएंगे, तो हमारी बॉडी में जो है ना वो इन्फेक्ट हो सकता है। तो ये इस तरीके से ह्यूमन में बिकम इन्फेक्टेड विथ फेशियल हर्पेटिका बाय ईटिंग द फ्रेश वाटर प्लांट। फ्रेश वाटर प्लांट जिसे हम वाटर ट्रीज कहते हैं, उनमें ये इंसेस्टेड मेटासरकेरा, उनकी इन्फेक्शन से भी ह्यूमन में ये इन्फेक्शन हो सकता है। थर्ड जो ट्रिमेटोड्स हैं, दैट्स शिस्टोसोमा, या इनको ब्लड फ्लू कहते हैं। ये मेडिकली बहुत ज्यादा इनके इम्पॉर्टेंट कि हमारे खून में जो है ना जो कीड़े होते हैं या फ्लूक्स होते हैं, उनको हम ब्लड फ्लूक्स कहते हैं, या टेक्निकली इसको शिस्टोसोम्स कहते हैं दुनिया में। और जैसे हमने डिजीज के हवाले से कि दुनिया में प्लास्मोडियम मलेरिया की वजह से दुनिया की ज्योग्राफी चेंज हुई है, दुनिया के बहुत ज्यादा इम्पेक्ट होते हैं हुए हैं, सेम वे ब्लड फ्लू की वजह से भी इतना ही ज्यादा इम्पेक्ट हुआ है। तो प्लास्मोडियम के बाद जो है ना जिस फ्लू जिस पैरासाइट का बहुत ज्यादा लोगों के लाइफस्टाइल के ऊपर असर है, ज्योग्राफी के ऊपर असर है, वो शिस्टोसोमा या ब्लड फ्लू के। अभी भी दुनिया में 200 से मिलियन से ज्यादा लोग जो है ना ब्लड फ्लू की वजह से विक्टिम है, ब्लड फ्लू की वजह से जो है ना। तो अफ्रीका में जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन अफ्रीका में, उसको हम कहते हैं शिस्टोसोमा हेमाटोबियम, क्योंकि शिस्टोसोम्स की मुख्तलिफ स्पेशीज हैं, तीन जो स्पेशीज हैं जो डिफरेंट रीजन में डिजीज का। तो अफ्रीका में अगर ब्लड फ्लू जो ह्यूमन में डिजीज करता है, उसको हम कहते हैं शिस्टोसोमा हिमाटोबियम कहते हैं, और शिस्टोसोमा मैनसोनी कहते हैं। साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में शिस्टोसोमा मैनसोनी काज करती है, साउथ ईस्ट एशिया में सिस्टोसोमा जेपनी कम, ये मुख्तलिफ रीजन में मुख्तलिफ स्पेशीज हैं सिस्टोसोमा की। जो काज ये क्या है, डायोशियस, मीन्स मेल और फीमेल अलग होते हैं। मेल हमेशा छोटा होता है, शॉर्टर होता है और थिकर होता है, फीमेल जो है ना हमेशा जो है ना लंबी होती है। तो मेल में एक गाइनोफोरिक कैनाल होता है, वहाँ वो फीमेल जो है ना उसमें अटैच होती है, तो अक्सर इनकी शक्ल ऐसे नजर होती है। लुक एट दिस वन, ओ सॉरी, वंस अगेन मैं रिपीटिंग, के फीमेल में गाइनोफोरिक कैनाल होता है, वहाँ उनमें मेल अटैच होता है, जिसे आप देख सके, ये रेड जो है ना मेल है और ये जो है ना फीमेल है। ये हमेशा आपको इकट्ठे एडल्ट स्टेज में इकट्ठे मिलते हैं, इस फॉर्म में मिलते हैं, और इनकी कॉपुलेशन भी वहां होती है, और फीमेल प्रोड्यूस एग्स। इन एग्स हैव द स्पाइंस, क्योंकि एग्स के, जैसे मैं आपको समझा दूं,
लुक एट दिस, समझ लें ये एग्स है। तो ये यहाँ किसी में यहाँ स्पाइंस होते हैं, इसमें यहाँ स्पाइंस होते हैं, तो ये स्पाइंस जो है ना शो करते हैं इनके नस्ल को कि अगर इस साइड में स्पाइन होंगे या अपरकुलम होगा तो ये इस स्पेशी के अंडे होते हैं, ये हेमाटोबेम के अंडे होंगे, ये मेंसोनी के अंडे होंगे या जोपनी का होंगे। तो एग्स की इनकी मॉर्फोलॉजी या टेक्सोनॉमी में बहुत ज्यादा रोल है। मोर ओवर शिस्टोसोमा एग्स में अपरकुलम नहीं होता, मेरासिडम एस्केप थ्रू द स्लिट, इनमें स्लिट होता है उसमें मेरासिडम एस्केप करेगा और ये अक्सर फ्रेश वाटर में होगा और मेरासिडम्स कीमोरिसेप्टर्स या कीमोटेक्सस के थ्रू स्नेल को ढूंढेगा और स्नेल को पेनिट्रेट करके वहां स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट होगा और स्पोरोसिस्ट से जो है ना डाटर स्पोरोसिस्ट प्रोड्यूस होंगे और वहां जो है ना एक फॉर्क टेल, लुक एट दिस वन, फॉर्क टेल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ लार्वा प्रोड्यूस होगा। उस फॉर्क टेल को जो हम क्या कहते हैं, सिरकेरिया कहते हैं। तो स्नेल से सिरकेरिया पैदा होगा, इसमें रेडिया स्पोरोसिस्ट होती है लेकिन रेडियल जनरेशन नहीं होती। तो सिरकेरिया जो है ना वो स्नेल को छोड़ेगा, लीव करेगा इसको, और जहां क्योंकि ये वो उस लोगों में ज्यादा पानी के डैम्स के करीब रहते हैं, मलाह लोग रहते हैं, मलाह अक्सर आप देखें मछली भी वो खाते हैं और वो उनकी बॉडी भी इतनी अच्छी डेवलप नहीं होती क्योंकि ये सारे पैरासाइट उनकी होते हैं, वो नंगे पाँव मूव करते हैं। तो नंगे पाँव से जो है ना वो ये सिरकेरिया उनकी स्किन को पेनिट्रेट करेगा, स्किन को पेनिट्रेट कैसे करेगा, उनमें एंटीरियर रीजन में ग्लैंड पाए जाते हैं, उस ग्लैंड जो है ना वो जो है ना पेनिट्रेट करेगा और ये टेल जो है ना वो लूज करेगा और इस पेनिट्रेशन के बाद जो है ना वो इंटर होगा ह्यूमन में, ह्यूमन के जो है ना इंटेस्टाइन में जाएगा, इन द इंटेस्टाइनल वीन्स में जाएगा और इस तरीके से वहां वो सिरकेरिया मेटा सिरकेरिया स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने इनमें ये तीन जो है ना पढ़े, एक तो चाइनीज लिवर फ्लू डिस्कस किया, सेकंड जो डिस्कस किया था वो फेशुला हेपेटिका और थर्ड जो हमने डिस्कस किया था जो लास्ट था वो शिस्टोसोमा या ब्लड फ्लू क्या था। तो ब्लड फ्लू जो है ना ब्लड जो शिस्टोसोम है इनका उन लोगों को कर ज्यादा असर है जो माहीगीर होते हैं, जो पानी के साथ मछली के साथ उनका कारोबार होता है। लेट्स डिस्कस द थर्ड क्लास, क्लास मोनोजीना ऑफ ट्रिमिटोड ऑफ प्लेटीहेल्मिंथ्स, फाइलम प्लेटीहेल्मिंथ्स। इनका नाम मोनोजेनेटिक फ्लूक इसलिए रखा गया है कि दे कंप्लीट देयर जनरेशन इन सिंगल होस्ट, के सारी लाइफ प्रोसेस जो है ना अपना जो है ना एक होस्ट में कंप्लीट करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम द मोनोजेनेटिक। सेकंड खुशियात के ये एक्सटर्नल पैरासाइट या एक्टो पैरासाइट है कि अक्सर जो मेरीन और फ्रेश वाटर फिशेस के जो है ना ये एक्टो पैरासाइट होते हैं, गिल्स के ऊपर पाए जाते हैं, गिल्स के एपिथेल सेल हो म्यूकस ब्लड उनको खाते हैं। और तीसरी जो इनमें स्पेशल चीज है कि इसमें पोस्टीरियर रीजन में एक आर्गन होता है जिसके थ्रू वो अटैच होते हैं सबस्ट्रेट के साथ, वो आर्गन लुक एट दिस वन, उसको हम ओपिस्थाप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, दे हैव अ पोस्टीरियरली अटैचमेंट आर्गन, उसे हम क्या कहते हैं, ओपिस्थाप्टर। So adult monogen produce and release eggs that have one or more sticky threads that attach the egg to the fish. के monogen अंडे release करते हैं तो वो sticky होते हैं, जिस sticky की वजह से stickness की वजह से egg और fishes वो अंडे जो है ना fishes के gills के साथ attach होते हैं। Moreover
कि उस एग से सिलिएटेड लार्वा प्रोड्यूस होता है, उस सिलिएटेड लार्वा को हम ओनकोमेरासीडियम कहते हैं। वहां हम डायजेनिक ट्रिमेटोड में एग से मेरासीडियम प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ क्या है मोनोजेनिन में जो सिलिएटेड लार्वा है उनको हम ओनकोमेरासीडियम कहते हैं। तो ये एग से जो है ना हेच हो रहा है, और ये ओनकोमेरासीडियम स्विम करेगा और दूसरी फिश होस्ट से अटैच होगा। कैसे अटैच होगा? वो पोस्टीरियर जो ऑर्गन होता है ओपिस्थाप्टर, उसके थ्रू जो है ना वो क्या होगा अटैच होता है। अल्दो द मोनोजेन हैव बीन ट्रेडिशनल अलाइन विद द ट्रेमेटोड, सम स्ट्रक्चरल केमिकल एविडेंस सजेस्ट दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू द टेपोन देन टू द ट्रेमेटोड। जो अब मॉलिक्यूलर स्टडी या फाइलोजेनिक स्टडी है, नॉर्मली हम मोनोजेन को डायजेन से रखते हैं, डायजेन्स आर द ट्रेमेटोड, लेकिन अभी जो रिसेंट स्टडी वो सजेस्ट करें कि ये फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड किससे हैं, टेपवर्म से हैं, ना के ट्रेमेटोड से। लेकिन इस पे स्टडी चल रही है, जैसे जैसे इनकी फर्दर होगी क्लियरिफिकेशन तो आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। लास्ट क्लास क्लास इज द सिस्टोइडी क्लास, सिस्टोइडी ये फोर्थ क्लास है। सो द मोस्ट हाईली स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ फ्लेट वर्म के प्लेटी हेलमेंट्स का ज्यादा स्पेशलाइज्ड क्लास है वो सिस्टोइडी है, सिस्टोइडनिस ग्रिडिल्स सेगमेंट। इनको हम टेप वर्म्स आर सिस्टोर्स भी कहते हैं, कॉमनली वी कॉल देम सिस्टोर्ड आर टेप वर्म। दुनिया में 3,500 इनकी स्पेशीज हैं, देर आर 3,500 स्पेशीज। ये एंडोपेरासाइट हैं, लिव इनसाइड द होस्ट, और अक्सर ये वर्टिब्रेट के डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। इन एडल्ट में बिकॉज उनमें पिगमेंट वगैरह नहीं होता, तो अक्सर ये जो है ना इन वाइट होते हैं, दिखने में ये वाइट होते हैं। और एडल्ट जो टेप वर्म होता है उनकी साइज 1 मिलीमीटर से लेकर 25 मीटर तक, 1 मिलीमीटर से 25 मीटर तक इनकी लंबाई हो सकती है। और इनमें दो यूनिक एडाप्टेशन हैं, दो यूनिक, यूनिक का मकसद किसी और में नहीं, के टेप वर्म लेक माउथ इन डाइजेस्टिव ट्रैक, के दूसरे पैरासाइट में आपको डाइजेस्टिव ट्रैक नजर आएगी लेकिन इन में देयर इज नो डाइजेस्टिव ट्रैक। किसी भी लाइफ साइकिल में या लाइफ स्टेजेस में इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक नहीं होती। फूड जो है ना वो स्किन के थ्रू, बॉडी वॉल के थ्रू जो एब्जॉर्ब करते हैं। सेकेंड अडॉप्टेशन ये है कि एडल्ट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सीरीज ऑफ रिपीटेड यूनिट्स, कि एडल्ट जो है ना छोटे छोटे यूनिट्स का बना होता है, उन यूनिट्स को हम प्रोग्लाइटिड्स कहते हैं। कि बॉडी इज सेगमेंटेड, इनकी क्या है बॉडी सेगमेंटेड है। नाउ हर एक सेगमेंट या प्रोग्लाइटिड उसमें एक या वन आर टू सेट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हर एक जो है ना सेगमेंट में कंप्लीट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। और मोस्ट एंडोपेरासाइट एडल्ट लिव इन वेरी स्टेबल एनवायरनमेंट, द वर्टिब्रेट इंटेस्टाइन ट्रैक्ट हैव वेरी फ्यू एनवायरमेंटल वेरिएशन। तो क्योंकि ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और जो वर्टिब्रेट के इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें वेरिएशन कम होती है, तो वहाँ वो स्टेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं और फिर अपना होमियोस्टेसिस भी जो उनके मुताबिक जो है ना उनका इतना इनकी वेरिएशन नहीं होती। इन अडॉप्टिंग टू सच स्पेशल एनवायरनमेंट टेप वर्म हैव लॉस्ट सम ऑफ द स्ट्रक्चर, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर लॉस की है। टेपवर्म्स आर देयरफॉर अ गुड एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन नॉट ऑलवेज रिजल्टिंग इन ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी, के हमेशा एवोल्यूशन में क्या होता है कि एक एक नई चीज बना जाए जिसका मतलब यह है कि वो कॉम्प्लेक्स हो जाए, लेकिन इनमें नहीं भाई, यहाँ हम सुकून से रह रहे हैं तो इस फिलानी चीज की जरूरत नहीं है तो इसको लूज कर ले। वैसे स्किन से वो फूड हासिल कर रहे तो इंटेस्टाइन की कैसे जरूरत है, या जो डाइजेस्टिव ट्रैक की क्यों जरूरत है, उनको लूज कर दिया। तो इनको क्लास सिस्टोइडा इज डिवाइडेड इनटू टू सब क्लास, वन इज नोन एज सिस्टोडेरिया, दुनिया में 15 स्पेशीज हैं, ये फिश के पैरासाइट हैं। सेकंड इज नोन एज सब क्लास इज यूसिस्टोडा,
ये मेडिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स डिस्कस सब क्लास यूसिस्टोडा, जिनको हम ट्रू सिस्टोर्स कहते हैं। ट्रू ट्रैप वर्म इनका नाम है। यूसिस्टोडा को हम ट्रू ट्रैप वर्म्स भी कहते हैं। सो दे रिप्रेजेंट द अल्टीमेट डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ एनी पैरासाइटिक एनिमल। लुक एट दिस वन, ये सिस्टोड है। लुक एट दिस वन, आप देख रहे हैं इनमें सेगमेंट, ये सारी बॉडी सेगमेंट। सो बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पोर्शन, देयर बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री रीजन। लुक एट दिस वन, जिस रीजन के साथ होस्ट के साथ ये अटैच है, उस रीजन को हम स्कोलेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कोलेक्स। सो एट द वन एंड अ होल फास्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्कोलेक्स। तो स्कोलेक्स में सर्कुलर और लीफ लाइक सकर पाए जाते हैं और रोस्टिलम पाए जाते हैं। तो इनका एक हिस्सा जो है ना बॉडी का, उसको जिसके साथ, जिसके थ्रू जो है ना होस्ट के साथ अटैच होता है, उसको स्कोलेक्स कहते हैं। स्कोलेक्स किस चीजों पे? सकर और रोस्टिलम। रोस्टिलम क्या होता है? हुक्स पाए जाते हैं। सेकेंड पार्ट, इनमें कोई माउथ, वैसे हमने कहा देयर इज नो माउथ इन देम। और इसके बाद जो है ना स्कोलेक्स के नीचे अगर देखेंगे, लुक एट दिस वन, ये नेक है। लेकिन नेक कुछ में होती है, कुछ में नहीं, ये नेरो होती है। और नेक के बाद ये सारा जो है ना तीसरा रीजन, सारी बॉडी जो है ना सेगमेंटेड बॉडी, ये थर्ड रीजन होता है, इसको हम स्ट्रोबाइला कहते हैं। सो सेगमेंटेड पार्ट ऑफ द सिस्टोड इज नोन एज स्ट्रोबाइला। इज जस्ट लाइक, जैसे हम तस्बीह इस्तेमाल करते हैं, तस्बीह के बीट्स होते हैं, तो ऐसे इनकी बॉडी जो है ना ये स्मॉल सेगमेंट पे मुश्तमिल। सो स्ट्रोबाइला कंसिस्ट ऑफ द सेगमेंट्स, और इनमें उन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल द प्रोग्लॉटिड्स। और इनमें तीन इकसाम के प्रोग्लॉटिड्स होते हैं। एक नेक के जो नीचे हैं उसे इमेच्योर कहेंगे, दूसरे जो मिडिल में होते हैं वो मैच्योर होते हैं। मैच्योर का मकसद यह है कि यहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है मैच्योर होते हैं। और थर्ड जो होता है, लास्ट होता है, जहां अंडे होते हैं, उसको हम ग्रेविड कहते हैं। तो प्रोग्लॉटिड कैन बी इमेच्योर, मैच्योर, ग्रेविड, ये तीन जो है ना उनके होते हैं। नर्व सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली पेयर ऑफ लेटरल नर्व कार्ड, के इनमें नर्व सिस्टम सिर्फ नर्व कार्ड पे मुश्तमिल है। वो जो है ना स्कोलेस से अराइज होती है, और जैसे स्ट्रोबाइला चलते हैं तो उनकी तरह। इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया पाई जाती है, जैसे जैसे एक नेटवर्क है वो। और ये मोनोशस है। मोनोशस का मीन्स मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। और हर एक ईच प्रोक्लेटेड कंटेन वन आर टू सेट ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन। टेस्टिस न्यूमरस होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें जो है ना डिलीवर होते हैं, स्पर्म वाया डट सिस्टम, और कॉपुलेटरी ऑर्गन भी उसे होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिरस कहते हैं। दे हैव द कॉपुलेटरी ऑर्गन सिरस। ये आसानी से आप देख सकते हैं, लुक एट दिस वन, कॉपुलेटरी ऑर्गन। सिरस ओपन थ्रू द जेनिटल पोर वेयर एन ओपनिंग शेयर्ड विद द फीमेल सिस्टम। तो सिरस जेनिटल पोर फीमेल में आता है। मेल सिस्टम ऑफ प्रोग्लॉटिड मैच्योर बिफोर द फीमेल। यहाँ मेल जिस भी सेगमेंट में जो दोनों होते हैं, मेल सिस्टम पहले मैच्योर होता है तो एंड देन फीमेल। तो यहाँ जो है ना सेल्फ फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ क्रॉस फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। ये सेम हमने जो चीजें डिस्कस की, कॉपुलेटरी ऑर्गन, सिरस, जेनिटल पोर, वेजिना, ओवरी, ओविडक्ट, यू टाइप, योर ग्लैंड, ये प्रीवियसली हमने स्लाइड में डिस्कस किया।
लेट्स डिस्कस द टॉपिक सम इम्पॉर्टेंट टेप फ्रॉम पैरासाइट ऑफ ह्यूमन बींग्स। उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बीफ टेप फ्रॉम जिसे हम टीनिया राइनकस सेजिनेटस कहते हैं। टीनिया राइनकस सेजिनेटस ये एडल्ट लिव इन स्मॉल इंटेस्टाइन और इनकी बॉडी जो है ना 20 मीटर तक बड़ी हो सकती है और हर एक इनके प्रोग्लोडिट्स में स्पेशली ग्रेविन में 80,000 अंडे होते हैं। जब वो ब्रेक होता है तो ये रिलीज होते हैं और उस एक से 6 हुक्ड लार्वा प्रोड्यूस होता है जिसे हम हेक्साकेंथ लार्वा कहते हैं। उनका दूसरा नाम क्या है उनको स्फेयर। वहां ट्रिमिटोड्स में हमने दूसरी मिरासीडियम का कॉन्सेप्ट, यहाँ जो एक से लार्वा प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं उनको स्फेयर कहते हैं। ओके इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये एक और यहाँ ये उनको स्फेयर। एस केटल इनके इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं ग्रेस कहते हैं पास्चर में, तो वो कंटामिनेटेड फीसिस में जो ह्यूमन का होता है वहां उनको स्फेयर जो है उनको एंगेज करते हैं और डाइजेस्ट एंजाइम ऑफ केटल फ्री द ऑनकोस्फेयर। वहाँ डाइजेस्ट एंजाइम उसको सिस्ट को तोड़ते हैं तो ऑनकोस्फेयर फ्री हो जाता है एंड देन वो लार्वा जो है ना इंटेस्टिनल वाल को से जो ना ब्लड स्ट्रीम में इंटर होता है और यूज देयर हुक्स टू बोर थ्रू द इंटेस्टिनल वाल इनटू द ब्लड स्ट्रीम और ब्लड स्ट्रीम कैरीज द लार्वा टू द स्केलेटल मसल। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू स्केलेटल मसल में आता है और वहाँ दे इंसिस्ट फॉर्म ए फ्लूइड फिल्ड ब्लेडर, तो उसको हम सिस्टी सर्कस कहते हैं मैं या ब्लेडर वर्म कहते हैं। मैं दोबारा ये चीज़ें आपको रिपीट कर रहा हूँ कि एक से ऑनकोस्फेयर वो केटल में इंटर हुआ, केटल के इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करके ब्लड में आ गया, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है ना वो स्केलेटल मसल में पहुंच गया, वहां उस ऑनकोस्फेयर से सिस्टी सर्कस लार्वा या जिसे हम ब्लड स्फेयर कहते हैं। सो अब जो है जब हम गोश्त खाएंगे काओ का या बीफ खाएंगे वो प्रॉपरली कुक नहीं होगा तो उस बीफ में सिस्टी सर्कस लार्वा होगा, वो रिलीज होगा, वो मीट के साथ हमारी बॉडी में आएगा। हम जब हमारा वो जो मीट है हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहाँ जो है ना वो टेप वर्म मैच्योर होगा, वो टेप वर्म जो मैच्योर होगा तो इस तरीके से जो है ना वहाँ अपना ये रोल प्ले करेगा। और ये इनकी सेम लाइफ साइकिल टीना सोलम से रिलेटेड है जिसको हम पोर टेप वर्म भी कहते हैं। इनमें स्ट्रोबेला हैव बीन रिपोर्टेड इज बीइंग 10 मिलीमीटर लॉन्ग और 2 to 3 meters इज मोर कॉमन। ह्यूमन में ये पैथोलॉजिकल कंडीशंस काज करते हैं। ये स्लाइड क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम है इसको डिस्कस करना मुनासिब नहीं। ये सेकेंड टेप फॉर्म इज द ब्रॉड फिश टेप फॉर्म जिसे हम डाइफिलोबोथेरम लेटम कहते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा जहाँ लोग जो है मछली खाते हैं, हमारे भी यहाँ हो सकता है लेकिन ये जो क्योंकि टेक्स्ट बुक वहाँ की है तो वहाँ का मिसाल दिया गया है। इसमें ये स्ट्रक्चर है बोथेरिया डाइफाइलोबोथेरियम लेटम। ये बोथेरिया का मेन फंक्शन है होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर, शक्कर की तरह जो नहीं ये होल्ड फास्ट करता है और ये एडल्ट जो है ना 10 मीटर तक हो सकता है और एडल्ट जो है ना मिलियन एग्स पर डे दे सकता है। मेनी प्रोग्लेट रिलीज एग थ्रू द यूट्रिन पोर और जब वो एग्स जो है ना फ्रेश वाटर में आएंगे तो उससे लार्वा प्रोड्यूस होता है, सिलेटेड लार्वा, उसे हम कोरेसिडा कहते हैं। वहां हम टीनिया राइनकस सेजिनेटस में क्या पढ़ रहे थे वहां ऑनकोस्फेयर हो रहा था, यहाँ
कोरेसिडिया प्रोड्यूस हो रहा है सिलेटेड लार्वा। कोरेसिडा जैसे फॉर एग्जाम्पल वंस अगेन दिस मैच्योर स्टेप वर्म इन इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ग्रेविड से उसमें अंडे प्रोड्यूस हो रहे हैं। बेटा सॉरी ये तस्वीर जो है ना इसमें गलत है, ये जो है ना टीनिया रानकस की इसमें नहीं है, तो काइंडली इसको आप फॉलो ना करें। तो वहाँ हम वर्बली जो है ना वो कम्युनिकेट करते हैं, तो कोरेसिडिया स्विम करेगा और वो जो है ना क्रस्टेशंस में इंटर होगा, यहाँ कॉपीपोड्स जो है ना उन्हें खाएंगे और वहाँ जो लार्वा जो है ना अपनी सिलिया जो है ना वो रिमूव करेगा, शेड करेगा, तो कोरेसिडा जो कोरेसिडा है वो से प्रोसर्कॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोरेसिडा से प्रोसर्कॉइड लार्वा प्रोड्यूस होगा, उस कॉपी पोर्ट्स को फिशेस खाएंगे, तो प्रोसर्कॉइड जो है ना उन मसल्स की फिशेस की मसल्स में होगा, तो उसको हम प्लूरोसर्कॉइड लार्वा कहेंगे। और जब वो मछलियां जो है ना बड़ी मछलियां छोटी मछली को खाएंगे तो वो प्लूरोसर्कॉइड उसमें जाएंगे, और जब उस बड़ी मछलियों के ह्यूमन खाएंगे तो अगर वो गोश्त प्रॉपरली कुक नहीं होगा तो वो सेम हमारे आंत में आ जाएगा। तो इस जो ब्रॉड फिश टेप वर्म है उसकी जो लाइफ साइकिल्स थी, एक्स एक्स के बाद कोरेसिडिया, कोरेसिडिया के बाद प्रोसर्कॉइड, प्रोसर्कॉइड के बाद प्लूरो प्लूरोसर्कॉइड है, प्लूरोसर्कॉइड के बाद जो है ना एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो एडल्ट ह्यूमन में आता है। ये सारा डिस्कशन जो है ना हमने दो इन किताबों से लिया गया है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो चुका था तो मैं कोशिश करूंगा इसको ब्रेकअप कर लूं, लेकिन अगर ये सारा मैंने अपलोड कर दिया तो आप अपने तरीके से इसको देख लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसमें से ये आप डाउनलोड कर लें।